वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शरण और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्यूट सा DIY। सो आज मैंने बनाए हैं ये पॉट्स एंड यू कैन सी कितने क्यूट हैं। और ये मैंने सारे के सारे वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं और आप ये सब अपने घर पे बना सकते हो और इसको कहीं पे भी सजा सकते हो, बहुत सुंदर लगेंगे। और या गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाएगा। आप सब मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं जो है अपलोड करती हूँ। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए जूट रस्सी और ये आप देख सकते हो ये छोटे छोटे से कंटेनर। ये मैंने छोटी जो गोल्डन की बॉटल्स होती हैं उनको काट के बनाया है। एंड उसके बाद हमें चाहिए ग्लू गन, ठीक है। तो ये आप कोई भी बॉटल, इवन आप कोई बड़ी बॉटल का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने छोटी वाली बॉटल्स का यूज़ करा क्योंकि मैं छोटे प्लांट्स लगाने थे। एंड देखो, ग्लू गन लगाना है आपको लेकिन बहुत केयरफुली, क्योंकि जो बॉटल है ना बहुत ज़्यादा पतला प्लास्टिक था और इस चक्कर में ये हाथों में बहुत ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप उसको फोल्ड करते जाइए, ग्लू गन लगाते जाइए। एंड अगर प्लास्टिक पतला है तो अगर बाद की जो आप लेयर्स लगा रहे हो जूट पे ही आप ग्लू गन अप्लाई करो ज़्यादा, ठीक है। देखो मेरे हाथ में लग गई थी अभी बहुत तेज, बहुत गर्म होती है एक्चुअली, सो ध्यान से काम करें। एंड उसके बाद आप देखो बस सिंपली मैं इसको रोल करती जा रही हूँ, अच्छे से प्रेस करते हुए दबाते हुए रोल करना है, अदरवाइज़ वो खुल जाएगा और सुंदर नहीं लगेगा, है ना। तो बस ऐसे ही करके पूरा रोल कर लेंगे और लास्ट की जो बचेगी उसको बहुत सारी ग्लू गन अच्छे से चिपका देंगे लगाकर। और आप देख सकते हो इतना बन चुका है और बहुत क्यूट लग रहा है। सो गाइज, जब ये लास्ट में जो आपको करोगे ना तो अच्छे से प्रेस करना है उसको ताकि वो बिल्कुल भी निकले ना, और लास्ट में बहुत सारा ग्लू गन लगाना है, ठीक है। तो अब ये देखिए इतना पॉट रेडी है। अब जो इसका ऊपर का है ना थोड़ा अनइवन सा है, सुंदर नहीं दिख रहा ना, तो बस इसके ऊपर भी हम जूट जो है पेस्ट कर देंगे। तो सिंपली जो जूट है मैंने पेस्ट करी है, जब लास्ट में उसको पूरा राउंड घुमा के फिर कट कर देना, दैट्स इट। और अच्छे से ग्लू गन लगा के पेस्ट कीजिएगा, नहीं तो ये निकल सकता है। और गाइस, जैसे मैंने जूट से किया ना, अगर आपके पास जूट नहीं है तो आप किसी और चीज़ से भी इसको कवर कर सकते हो, लाइक आप किसी पेपर से कर सकते हो या आप खुद पेंट कर सकते हो। इवन आप जो है गोटा पट्टी आती है, अगर आपके घर में कोई वेस्ट गोटा है मटेरियल है तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा गाइस, बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज, यू कैन सी हमने पॉट्स बना लिए हैं, बहुत ही सुंदर पॉट्स बने हैं। एंड ये आप देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और अभी इसमें जब प्लांट लगेगा ना तो बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। और अगर आपके पास घर पे और भी कोई कंटेनर है खाली, ये तो हमने बॉटल से बनाया, बट अगर आपके पास और भी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है। ये मेरे पास एक कंटेनर खाली था तो मैंने इसके ऊपर भी किया है, ऐसे मैंने दो लिए हैं। यू कैन सी कितने सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा ईजिली, इसके अंदर जो है होल किया है ताकि जो पानी है जब हम उसे पानी दें अपने पॉट्स में तो वो इजीली पास आउट हो सके, क्योंकि पानी पास आउट नहीं होता तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो अंदर से गल जाता है और मर जाता है, तो इसीलिए मैंने सबके अंदर जो है होल कर दिए हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं छत पर आई हूँ और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या लगाना पसंद करूँगी। अभी मैं खुद कन्फ्यूज हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या। सो गाइस, आई एम सर्चिंग कि कौन से प्लांट्स जो है मैं लगा सकती हूँ नीचे। आई गेस ये सुंदर लगेगा, रबड़ प्लांट कहते हैं इसे, देखते हैं, क्योंकि अभी हमें इसको निकालना पड़ेगा। स्नेक प्लांट तो बहुत सारे यू नो लग रखे हैं ऑलरेडी, मनी प्लांट लगा सकते हैं, दिस इज़ क्यूट, इसमें से ले सकते हैं थोड़ा सा मनी प्लांट। क्यूट लगना चाहिए यार, क्योंकि छोटे छोटे से है ना, क्यूट लगना चाहिए। एंड देखते हैं आगे, ये देखिए स्नेक प्लांट कितने सारे हैं, इसलिए मैं और नहीं लगा रही हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लग चुके हैं घर पर। एंड या समझ नहीं आ रहा है, ये देखिए गाइस हमारे घर में आई है बहुत सारी मिर्ची, देख पा रहे हैं आप, बहुत सारी मिर्ची आई है, बहुत सारी मिर्ची, ये देखिए। तो इसको भी तोड़ के लेके चलेंगे नीचे। सो गाइज, मैंने डिसाइड किया कि हम इसमें मनी प्लांट और रबर प्लांट ही लगा लेंगे। तो बिल्कुल जड़ से निकालना, अगर आप कोई प्लांट निकाल रहे हो किसी दूसरे प्लांट में से तो जड़ से निकालना है, फिर उसको बीच में लगाना। और ये देखिए मैंने लगा लिया मनी प्लांट, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड अभी मैंने मनी प्लांट लगाया, अब मैं रबर प्लांट लगा लूँगी और उसके बाद आप देखिएगा मेरे प्लांट्स का फाइनल लुक। एंड गाइज प्लीज़, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, टिल देन बाय।